ये कहानी है दो चोरों की, विन्नी और राजा। वो बचपन में भी चोर थे और जब जवान हुए तब भी उनके पेशे में कोई बदलाव नहीं आया। ये अलग बात है कि उन दोनों चोरों का दिल दिल्ली की एक हसीना ने चुरा लिया था। May I come in, sir? Yes, you may. Thank you, sir. Good morning, sir. Good morning. How are you, sir? आइए आइए बैठिए। हूँ, सर आपके हाथ दुख क्या हो गया सर? बड़ी दुख वाली कहानी है। कुछ दिन के लिए मेरी ड्यूटी सीआईडी वालों के साथ लग गई। हाँ? वो जो चीफ है ना सीआईडी के, हर बात पे बोलते हैं ना, कुछ तो गड़बड़ है। कुछ तो गड़बड़ है। तो मैं उल्टा हाथ से करता था। एक दिन मेरा हाथ ज्यादा घूम गया, फ्रैक्चर हो गया। अरे बाप रे। डॉक्टर ने प्लास्टर बांधा है, 4 हफ्ते का, कोई बात नहीं, हो जाएगा ठीक। डोंट वरी सर, खुल जाएगा। हाँ, आपको बड़े इम्पोर्टेंट काम के लिए मैंने बुलाया है। ये है, एक मिनट। हाँ, ये है वो फाइल। पिछले 10 सालों से इसके ऊपर काम हो रहा है, इसलिए इस फाइल को पकड़ो, स्टडी करो और आप लोगों को इटावा जाना है। इटावा? सर सर, ये इटावा कहाँ है सर? स्मार्ट बॉय। यस सर। गुड क्वेश्चन। इंसान जहाँ जा रहा है वो जगह का पता तो होना चाहिए ना, कहाँ जा रहा है। यस सर। इडियट, इटावा यूपी में है। हम नहीं जाएंगे सर इटावा। क्यों? क्योंकि वहाँ गाली रंस वाले गोली मार देते हैं सर। नहीं 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 नहीं, हमने तो कुछ और सुना है। हमने तो सुना है कि मारने से पहले घसीटते जाते हैं। इडियट, बहुत इम्पोर्टेंट काम है देश के लिए, मरवाएंगे पक्का। दरअसल 10 साल पहले हमने इटावा के एक दस्यु सरगना अभय सिंह को पाकिस्तान भेजा था जासूसी करने के लिए। उसने वहाँ बेहतरीन जासूसी की, बहुत सी इन्फॉर्मेशन बटोरी, लेकिन जब वो एडिया आ रहा था रास्ते में मर गया। और वो सारी इन्फॉर्मेशन उसने एक पहेली में छुपा रखी है। वो पहेली आपको पता करनी है क्या है, इसलिए फाइल पकड़ो और इटावा की तरफ कूच करो। सर कहाँ आप पहेली के चक्कर में हम लोगों को निपटा रहे हैं। बहुत इम्पोर्टेंट है, मुझे किसी कीमत पे ये पहेली चाहिए, हमारे देश के लिए बहुत जरूरी है, जाना तो पड़ेगा। तुम दोनों यूपी जाओ और इस काम पे लग जाओ। आप भेजेंगे तो जरूर, लेकिन टिया को लेके जाऊंगा। टिया को? क्यों नहीं, टिया को नहीं जाने देंगे हम यहाँ से। तो हम नहीं जाएंगे सर, नहीं जाएंगे सर। अच्छा कोई बात नहीं, लेकिन एक शर्त है, मुझे प्रॉमिस करना पड़ेगा कि तुम लोग इस फाइल को ध्यान से पढ़ोगे और इस केस को अच्छे से सॉल्व करोगे और मुझे पहली ढूंढ के ला के दोगे। मुझे सर मंजूर है सर। मुझे भी सर, मुझे भी। अगर ऐसी बात है तो टिया क्या, उसकी माँ को भी ले जाओ साथ में। XYZ, देखे कहाँ पहुंचे, कहाँ खिचड़ी पका रहे हो।
हाँ गई 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 बैल गई। अबे उठा ले, अबे जड्डे उठा ले, अबे उठा, लुक पट्टे उठा। ये कौन से जॉब में लगे? मेरा फोन नहीं उठा रहे? इस समय मिशन पे होना चाहिए था। एक काम करता हूँ, दूसरे को मिलाता हूँ। रिंग गया। अबे एक्स उठा ले, एक्स उठा ले, अबे उठा ले, चोर साले उठा ले कुत्ता। पड़ा, इसने भी काट दिया। इनकी हिम्मत कैसे पड़ती है मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ एक मिनट, क्या करूं, टिया को मिलाता हूं। हाँ गई बेल। हेलो, गुड इवनिंग सर, टिया स्पीकिंग। टिया हाउ आर यू? ये दोनों उल्लू के बच्चे कहाँ हैं? बात करो मेरी, फोन काट रहे हैं साले। ओके सर, मैं ट्राई करती। अटेंशन 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 देवियों, सज्जनों, भाइयों, 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 ये है बड़े उस्ताद और हम हैं छोटे उस्ताद। मुंबई से आए हैं और आपके शहर इटावा में म्यूजिक एल्बम लॉन्च करेंगे। यार है? अरे बोलो भाई, यार हो? क्योंकि आप टर्सम टाइम हमारा गाना आप लोगों का अंगन हिला देगा। बंद करो। तो आर यू रेडी? ये पिला दे साकी रे, नशे के नशे में जवानी तरसे रे। ओ साकी पिला दे साकी रे, नशे के नशे में जवानी तरसे रे। ओ साकी पिला दे साकी रे, नशे के नशे में जवानी तरसे रे। ओ साकी पिला दे साकी रे, नशे के नशे में जवानी तरसे रे। पहले पहल में छूता नहीं, छूता हूँ तो
छोड़ता नहीं, बिना डेली पीने वाला किसी का दिल पर तोड़ता नहीं। ले ये भी उठा, ले भी उठा, ले ये भी उठा, सब खत्म हुई नजर घुमा के देखने पीछे और रखी है बोतल ने एक बोतल, तू और उठा ले, उठा के सीधा मुंह लगा ले, कट 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 नींद चढ़ा ले, लेट के नागिन डांस दिखा दे। हेलो। हाय डिया, कैसे हो? आई एम फाइन। तुम बॉस से बात कर लो, मैं उन्हें कॉन्फ्रेंस पर ले रही हूँ। फाइन लागू मैं बाप, छोटा स्टाफ बोल रही हूँ। अरे खुश रहो, कहाँ थे तुम लोग, फोन करो उठा रहे? मैं तो मिशन पे हूँ सर, आपका वो जबरदस्त है ना वो जुजू कर रहा है। झूठ बोल रहा है ससुरा, हम तो अपने म्यूजिक का प्रमोशन कर रहे थे सर। अरे फालतू बातें मत करो, इस समय तुमको मिशन पे होना चाहिए। और तुम लोग क्या झपड़ताल कर रहे हो? आई एम अशेम्ड ऑफ यू, यू आर टॉप मोस्ट स्पाइस ऑफ इंडिया, और तुम्हें ऐसी बात करते हुए शर्म आनी चाहिए। ये जमाल बुड्ढा बॉस ना पजामे से बाहर निकल रहा है। अरे क्या जरूरत थी कोई स्टोरी बहान करने की? सर सर सर, इसकी तो आदत है बकवास करने की। मैं काम का बंदा हूँ, मुझसे काम की बात करो। क्या काम की बात करूँ, तुम लोग नालायक हो, निकट्टू हो। आज की रात तुम्हें मिशन पे होना चाहिए था, अगले मिशन पे सीरिया भेजूंगा आतंकवादियों के बीच में, कर लो मस्ती। सर 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 सॉरी सर, सर 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 सुनिए तो। सर ने तो तुम्हारे 12 बजा दिए। उस बुड्ढे घुसट ने फोन पर हम दोनों के साथ बलात्कार कर डाला। तुझे हंसी आ रही है डार्लिंग, बेवफा जाने मन। यानी हम दोनों की, बिन्नी और राजा की जिंदगी की सच्ची कहानी है। मरने से पहले इतना तो सुकून है कि हमारे मरने के बाद हमारे लिए कोई रोने वाला नहीं है। हम दोनों का मासूम बचपन एक अनाथालय में गुजरा। रुक बे, थाली इधर ला, चल हट चूजे। क्या है अपने तो ऐसी सर्राटे है भाई। राजा का खाना छीनता है भाई, बहुत गंद खाता है, ऐसी की तैसी। हट 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 तुझे मार, हट तेरी तो हट। क्या समझता अपने आपको? हट तेरी तो। भाई क्यों लड़ रहे हो यार, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, हट जाओ साले। मैं तुझको छोड़ूंगा नहीं, देख लूंगा तुझको साले।
आज के बाद अगर राजा की तरफ देखा भी ना तो फाड़ के रखूंगा। छोड़ छोड़ो, छोड़ो मुझे, आज इसकी गुंडे निकालता हूँ। छोड़ो मुझे रब साले लंबे बैगन, अगर तेरा भरता नहीं बनाया ना तो मेरा नाम भी बिन्नी नहीं। कहाँ जा रहा? वार्डन सर ने बुलाया था। क्यों? बस ठीक हूँ सर, आपने बुलाया था। बैठ जा। कहाँ रहा अभी तक? सर यहीं था सर। चल कपड़े उतार। क्यों सर? मैंने कहा कपड़े उतार। अभी कपड़े उतार। नहीं सर। कुछ ज्यादा नहीं मुँह चलाने लगा तू है? नहीं सर। कपड़े उतार। राजा तो ठीक है? ओए तेरी साले, आज तो तेरा किस्सा ही खत्म कर देता हूँ। से खुद को बचाने के लिए हम भाग निकले। भूख ने हमें चोरी करना सिखा दिया था, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि एक दिन हमसे इतना बड़ा पाप हो जाएगा। आज हमारी जिंदगी का भागम भाग और भटकाव खत्म होने वाला था। अबे बबूल की गौर, क्यों रो रहा है साले? भाई इस बार भगवान से जाके कहेंगे कि अगले जन्म में पैदा करना तो माँ बाप को जिंदा बनाए रखना, अनाथ बनाकर मत पैदा करना। यार हमने तो सब कुछ खो दिया, अपना करोड़ों का खजाना और अब दोस्त भी, फिर भी तू हंस रहा है। क्यों? हंसते हंसते मरना पाप है क्या? भगत सिंह भी तो हंसते हंसते मरे थे। अबे बबूल की गोल, वो मरे नहीं थे, शहीद हुए थे। आज भी उन्हें देश याद करता है, और हम तो हालात से डर के आत्महत्या करने चले थे। भाई भगत सिंह ने तो बचपन में ही बंदूकें बोई थी, पर हमने तो बचपन में ही बंदूकों से फसलें काटी हैं। भाई इसे ऐसे चलाते हैं? अरे नहीं, ऐसे मारे। ओ मोटू सेठ, मुझे बच्चा और इसे खिलौना मत समझना। जो भी मालपत्ती है बाहर निकाल। डराता है मुझे? एक झापड़ दूंगा और पकड़ के फेंक दूंगा। अबे अंडे के बच्चे, निकला है नहीं,
चला है छिन्नती करने और पकड़ के फेंक दूंगा। छोड़ दे फिर नहीं छोड़ दो तू राजा को भाई। राजा को छोड़ दो साला तू ऐसे नहीं माने। चल भाग। भाई काश हमने उस दिन उस आदमी की बात मान ली होती तो ये आज दिन ना देखना पड़ता। वो कोई आम आदमी नहीं था, बीहड़ का खूंखार डकैत अभय गुर्जर, उसके डर से लोगों की फटती थी। जान बची तो लाख उपाय, लौट के बुद्धू घर को आए। भाई बड़े होके ना ओलंपिक में भाग लेंगे, 2-3 गोल्ड मेडल तो जीत ही जाएंगे। अपना तो खरबूजा कट गया होता, तुझे मिल्खा सिंह की याद आ रही है? अरे ये किसकी आवाज है? नीचे से आ रही है भाई। भाई वहां तो कुछ है। कहां? ये कौन है? ये क्या हो गया आपको? लड़के, मेरी कमीज की कॉलर में एक कागज छुपा हुआ है। बोलो। उसमें एक नक्शा बना हुआ है और एक पहले। हाँ बोलो। अभय सिंह, सम्राट, मैं बेहद छोड़कर सरेंडर करना चाहता था पर मेरे साथियों ने मुझे हाल पर पहुंचा दिया। वो मुझे मरा हुआ समझकर छोड़कर चले गए। ऐसा क्यों? बोलो। पहले वो कागज निकाल, उसमें करोड़ों के खजाने का राज छुपा हुआ है जो हमने अब तक लूटे थे। काम की बात बताओ, खजाना तुमने छुपाया कहाँ? बोलो। पर उस पहली के जरिए उस खजाने तक पहुंचा जा सकता है, पर तुम उस खजाने के चक्कर में मत पड़ना वरना बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। इस कागज को निकाल कर पुलिस तक पहुंचा देना। सचमुच में हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। उस कागज ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, कद्दू का रायता बना दिया। अभी आम के गुडली, ये तो कुछ कर गया। फौरन कट ले राजा। भाई रुक तो सही, इसकी जमा तलाशी तो ले लूं, कुछ तो निकलेगा। भाई एक अंगूठी है, निकल रहा हूं भाई। अंगूठी छोड़, खजाना ढूंढते हैं। वो मेरे सामने बैठी है मगर उससे कुछ बात ना हो पाई है। अबे यार लगता है साले उस डाकू ने हमारा कद्दू का रायता बना दिया। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा इसमें। भाई
मरता हुआ इंसान कभी झूठ नहीं बोलता। वैसे भी हम कौन से उसके देवर थे जो हमसे मजाक करेगा। हाँ यार, ओए चट्टो इधर आ, तू पढ़ना भी जानती है। ये देख, ये खजाने का नक्शा है, इसमें करोड़ों का खजाना छुपा है। अगर तू इसे हल कर देगी तो हम तुझे भी बहुत सारे पैसे देंगे। ना देश में मिलेगी ना मिलेगी वो विदेश में, लक्ष्मी अब नहीं मिलेगी औरत के भेष में। दांत खट्टे कर देगी पहेली पढ़ो पूरे होश में, खजाना तुम्हें मिलेगा होले के पड़ोस में। चट्टो को चॉकलेट बहुत पसंद थी और हमें उसका हंसना। चट्टो उसका असली नाम नहीं था, हमने प्यार से उसका नाम चट्टो रख दिया था। हम बाजार से उसके लिए चॉकलेट मिठाइयाँ और गिफ्ट लाते थे, वो हमारी अच्छी दोस्त बन गई थी। अब हमारे पास दो दो पहेलियाँ थी, पहली खजाने की और दूसरी चट्टो। एक पहेली दिमाग में रहती थी तो दूसरी दिल में, उन दोनों के अलावा और कोई भी तो अपना नहीं था। अनाथ थे, एकदम अनाथ। अबे अमरुद, तुम्हें समझ में आ रही है पहली? मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आ रही। भाई हाँ नहीं आ रही, पर इसे हल करने में चट्टो हमारी मदद कर सकती है। वो कैसे? वो स्कूल भी जाती है और उसे पढ़ना लिखना भी आता है। अबे गाजर घास, तू हमेशा उस चट्टो की बातें क्यों करता? भाई प्यार हो गया है मुझे उससे, मैं तो आई लव यू बोल ही डालूंगा। साले बैगन, वो तेरी भाभी है, मैं करता हूँ उससे प्यार, काट डालूंगा। दोबारा ऐसा मत बोलना। भाई आँख मत का, आँख लोच लूंगा, वो पता तो होना चाहिए वो किससे प्यार करती है। हम कंफर्म करना चाहते थे चट्टो हम दोनों में से किसको प्यार करती है। अभी बताता हूँ इसको। अबे अमरुद देख, चट्टो ने मुझे क्या दिया, उसका फोटो है मेरे पास, तेरे पास क्या है? भाई फोटो तो मेरे पास भी है, वो देख आ भी रही है। किस लिए बुलाए मुझे? अरे पहले बैठो तो। चट्टो देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे वाह, ये तो मुझे बहुत पसंद है। चट्टो तुम मुझे चाहती हो? हाँ हाँ चाहती हूँ। चट्टो अबे साले लेम्बू, या तू बोल ले या मुझे बोलने दे। भाई मैं ही बोलूंगा पहले। चुप साले भुने हुए बैंगन, पहले मैं बोलूंगा। चट्टो तुम हम दोनों में से किससे प्यार करती हो, मुझे या इस अमरुद के बीच को? मैं तुम दोनों से ही प्यार करती हूँ, पिन्नी से भी और राजा से भी। चट्टो देखो मैं तुम्हारे लिए कंगन लाया हूँ। वाओ, ये तो मुझे बहुत पसंद है, थैंक यू। कितने भी कंगन पहना ले बेटा, चट्टो रहेगी तो मेरी ही। देख अपुन कितना खजाना लूट के लाए लाया, देख बैग भरे लाए पूरा, चल अंदर तेरे को दिखाता है। भाई ये तो कुछ भी नहीं है, करोड़ों अरबों लाखों पता नहीं कितने कितने का खजाना है।
क्या है यार इस बैग में? 100-200 का। चल रहने दे ना, अपुन चलता है। भाई आधा तो मुझे भी चाहिए ना। काई को ये खजाना है ना, इसमें से आधा मेरे को दे देना। अबे देख। ये भाई, ये देख। अबे रुक, कुछ तो कुछ फल तो जरूर निकलेगा। उससे मिलकर आता हूँ। हाँ छोटे लोग छोटी सोच। हमारी यतीम आंखों में अरसे बाद उम्मीद का एक ख्वाब जगा था कि हमारे पास करोड़ों का खजाना होगा और चट्टो हमारी दुल्हन होगी। चट्टो हम में से किसकी दुल्हन बनेगी, इसका उत्तर हम दोनों ने अपने अपने पक्ष में सोच लिया था। हम दोनों अपने सपनों को सुरक्षित करना चाहते थे। हम दोनों में जिद हो चुकी थी कि चट्टो की नजर में कौन हीरो बनेगा। भविष्य में चट्टो को हम दोनों में से किसी एक की दुल्हन बनना था। चट्टो पढ़ लिख रही थी, इसलिए हमने भी पढ़ने लिखने की सोची, पर किस्मत लिखने वाले ने तो कुछ और ही सोच लिया था। हेलो। हाय डिया, इज एवरीथिंग ओके? नो सर। अच्छा, आप टारगेट से काफी पीछे हैं। हाँ, और ये तुम्हारे मिस्टर एक्स कहाँ पे है? वो तो आप उनसे खुद ही पूछ लीजिए। हाँ चलो मैं बात करता हूँ। ओके थैंक यू। हेलो। अब बताओ जाने मन, हम गब्बर गड्ढे पर पहुंचे या नहीं? यस सर, नाउ यू आर एट करेक्ट लोकेशन। फिर इतना सन्नाटा क्यों है भाई? जय भीरू कालिया सांबा गब्बर, कोई दिखाई नहीं दे रहा। एक मिनट, मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। लगता है ठाकुर साहब की बसियत है, सुनना है आपको। चलो बैठकर इसका थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। ओके सर। अबे ओ बावड़ी पूछ, कार क्या कर रहा है? डियर बहना, चंबल की पुलिया पर बैठा हूँ। अच्छा, और दो चोर जय और वीरू की आत्मकथा पढ़ रहा हूँ। क्या सोले? ए लव स्टोरी। अबे हमें भी सुना दे अपनी लव स्टोरी। सुन मेरी बहना सुन, दिल थाम के सुन। ये मुझे देना। नहीं भाई, मैं छोटा हूँ, तू अपना दे। छोड़ छोड़, अबे छोड़। अच्छा ठीक है, ले ले, तू देना। हाँ क्यों दू, देना बे पगले। मैंने तुझे पहले कहा था ना वो मैं लूंगा, तो फिर ला दे। हाँ, अच्छा थोड़ा सा दूंगा, अब दे। तू भी दे एक और बस। अच्छा फिर और नहीं दूंगा। ठीक है अब थोड़ी सी तो दे। चल अब दे ना भाई। क्या बोला तू मुझे? साले छोड़ो, बहुत नाक में दम किए हैं, बाहर निकल। नहीं 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 साहब, छोड़ो साहब। नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, नहीं साहब, छोड़ो, छोड़ दो ना साहब। हाथ पैर तोड़ दे साहब। नहीं साहब, नहीं साहब, साहब साहब छोड़ दो साहब। नहीं साहब, नहीं। भाई बहुत भूख लगी है, पूछ लो ना आंटी से। चट्टो दिखाई भी नहीं दे रही, पूछ जल्दी से।
भाई पूछ ना, बहुत भूख लगी है। आंटी चट्टो कहाँ है? ट्यूशन गई है चट्टो, और उसे चट्टो चट्टो मत बुलाया करो। सॉरी आंटी। चलो यहाँ से, तुम्हारे लिए वो खाना वाना नहीं है, हमारा हिसाब कर दो, कल से मत आना। चट्टो रुको, ये कैसा बेगानापन है, तुमने मेरी ओर देखा भी नहीं। चट्टो मुझे पढ़ना लिखना सिखा दो, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। क्यों लाइन में लगना चाहते हो? नहीं नहीं, लाइन तो लगाना चाहता हूँ। देख तू पढ़ लिख जाएगी, मैं अंगूठा टेक रहूंगा, तेरी मेरी शादी होगी, बच्चे होंगे, बच्चों को पड़ोसियों के बच्चे चिढ़ाएंगे, अम्मा अप टू डेट, बाप अंगूठा टेक। क्या कहा तूने, तेरी मेरी शादी? मुझे अफसर बनना है अफसर, तेरे जैसे चोर उचक्के से मुझे शादी नहीं करनी। चोर उचक्के? ओ मैडम हम चोर उचक्के नहीं है, फैक्ट्री में काम करते हैं, बाल मजदूर हैं हम। तुम दोनों के बारे में मैं सब कुछ जानती हूँ, अम्मा बाबा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। तेरे अम्मा अब्बा कुछ नहीं कर पाएंगे, भगा ले जाऊंगा तुझे, फिर अपने साथ रखूंगा। बदतमीज, आज के बाद तुम दोनों सूरत मत दिखाना अपनी। तू सूरत देखने लायक रहेगी कहाँ, दोनों आंखें फोड़ दूंगा तेरी। अबे तेरी तो। हमारा भरम टूट चुका था, लड़कियों का हंसना और मुस्कुराना इस बात का सबूत नहीं होता कि वो तुमसे प्यार ही करती हैं। तेरे बिना मुझको नहीं जीना, तेरे बिना न जाने क्यों जग लागे सोना, तेरे बिना तेरे बिना। आओ फिर से गाएंगे। आई एम सॉरी चट्टो, हमारे तुम्हारे पास में अभी कूद बिन्नी भाई कूद, अब कुछ नहीं रखा है, कोई कूद जा बिन्नी भाई कूद जा, कूद जा।
तुझ बिन हर पल अधूरापन, आ जाओ तो जी ले हम, दिल ये मेरा कितना अकेला तेरे बिना, तो साला दिल भी टूटा और बेइज्जती भी हुई। हाँ भाई, दिल में आग सी लगी है। जी करता है भाई अपना गला दबा लूं। अबे साले कुत्ते कभी रहे कायर ही रहेगा, गला तो चट्टो ककड़ी की बच्ची का घुटना है। भाई चट्टो की क्या गलती है? गलती गलती है उसकी, चट्टो अपने माँ बाप के भड़काने पे आ गई, चट्टो के कान भी उसके माँ बाप ने भरे हैं। भाई वो तो है, वो आंटी बड़ी कमीनी है। कमीनी? अगर वो कमीनी है तो हम माँ कमीने हैं। भाई कहाँ? भाई रुक तो, भाई कहाँ जा रहे हो? भाई 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 रोड, भाई रुक, कहाँ जा रहे हो? भाई भाई रुक तो, भाई कहाँ? भाई 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 भाई, चट्टो भी जल जाएगी। हमारी आसकी का दूध फट गया है सब, अब दही दुनिया जमाए ये तो नामुमकिन है यार। छूट गई थी, हम तो मर ही गए होते, लेकिन उस करोड़ों की पहेली ने हमें जिंदा रखा। लेकिन अब हम प्रोफेशनल चोर बन गए थे, दिल्ली हमारा कार्यक्षेत्र था। जिंदगी में
एक खूबसूरत बहार आ चुकी थी जिसका नाम था डॉली। हेलो, ओए होए, तुम्हारी इसी अदा पे तो मैं फिदा हूँ। तुम हर आधे घंटे बाद मुझे कॉल करते हो, कैसे हो डार्लिंग? नहा रही थी और तुम्हारा कॉल आ गया। अभी कहाँ यार, अभी तो आधा ही ना आया है। आज जाओ ना मेरे राजा। ओके, मैं एक घंटे में आती हूँ। बाय। हेलो। हाँ हाँ बाबा, डोली बोल रही हूँ। तुम कौन बोल रही हो? ओ शबनम, कैसी है तू? नहीं यार, मेरी पहली एडवांस बुकिंग है दो पुराने कस्टमरों के साथ। ये पहली सॉल्व की जा सकती है अगर इसमें थोड़ा दिमाग लगाया जाए तो। पर यार अभी तो दिमाग मत लगा, अभी तो दिल लगाने की जरूरत है। ध्यान से देखो इस हाथ के पंजे को, इसमें ये जो लकीरें है ना, एक्चुअली ये लकीरें नहीं, ये पांच नदियां हैं जो एक पॉइंट पे आके मिल रही हैं, है ना? अरे हाँ यार, ये तो पांच नदियां हैं, पर ये किस क्षेत्र में हो सकती हैं? अबे पालक के पराठे, ये पंचनद क्षेत्र है, ये औरैया जालौन इटावा क्षेत्र में पड़ता है ये। इसका मतलब खजाना पंचनद के बेहड़ के कहीं आसपास है। करेक्ट लोकेशन चार लाइनों में छिपी हुई है। ना देश में मिलेगी, ना मिलेगी वो विदेश में। लक्ष्मी अब नहीं मिलेगी औरत के भेष में, दांत खट्टे कर देगी पहेली पड़ो पूरे होश में, खजाना तुम्हें मिलेगा भोले के पड़ोस में। यानी कि खजाना शिव मंदिर के आसपास है। सही कह रहा भाई। हाँ, चित्र को गौर से देखो, हाथ के पंजे में पांच लकीरें हैं। और चार क्षेत्र बने हुए हैं, और हर क्षेत्र में एक शिव मंदिर और एक किला बना हुआ। एक भाग में जहाज, एक भाग में पेड़, एक भाग में औरत और एक भाग में भारत का नक्शा बना हुआ है। इसका मतलब यानी औरत, देश और जहाज, इनमें खजाना नहीं है। नहीं, खजाना है पेड़ वाले हिस्से में, और ये हिस्सा है इटावा। ये हिस्सा इटावा है। इसका मतलब हमें इटावा चलना होगा। इटावा चलना होगा, लेकिन पूरी तैयारी के साथ। क्या क्या तैयारी, कैसी तैयारी करनी होगी? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। दो गाड़ियां, खुदाई करने का सामान, खाने पीने का सामान और कुछ आदमी, क्योंकि ये काम एक दो लोगों का नहीं है, इसके लिए पूरी टीम चाहिए होगी। टीम में कौन कौन होंगे? वही चार जहर खुरान, डेविड, अकरम और छोटू। ओहो, वो छोटू फिर आ गया। साला छछुंदर, अब की बार तो उसे हम दबोच ही लेंगे। अगर उन्होंने फिर कोई गड़बड़ी की तो?
नहीं करें, क्योंकि इस बार उनको एक झूठी कहानी सुनाएंगे और दूसरा हम लोगों के पास हथियार होंगे और वो लोग निहत्ते। देख लेना, किसी भी साले ने अगर कद्दू का रायता फैलाया तो कसम नींबू के अचार की उसे ठोंक देंगे। ठीक है भाई, कल से मैं तैयारी करता हूँ। चलो अभी तो सेलिब्रेट करें। या कम ऑन सेलिब्रेट। सीन बना लो, गला भी गीला हो जाए कोई सीन बना लो। ओ साके पिला दे साके रे, नशे के नशे में जवानी तरसे रे। ओ साके पिला दे साके रे, नशे के नशे में जवानी तरसे रे। पिला दे साकी रे, नशे के नशे में जवानी तरसे रे। ओ साकी पिला दे साकी रे, नशे के नशे में जवानी तरसे रे। देखा राजा, आधे हिस्से की बात करती है ये, आ गई ना औकात पे, आधे हिस्से की बात करती है ये। मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ कोई मिशन मिशन में, मैं जा रही हूँ। क्या विन्नी यार, तेरी तो जाओ ना तुम।
यार काफी दिन से कोई मुर्गी नहीं फंसी है, कोई मुर्गी फंस जाए माँ कसम मजा आ गया। ये रहा मेरा हुक्म का बादशाह। ओए देख साले शिकार। ओए रुक साले, किधर जा रहा है? जाने नहीं दे रहा साले को। ओए बैग देखो इसका, क्या है इसमें? का दिल दुखाया था तो उसको मनाने की जिम्मेदारी भी मेरी ही थी। दो प्रोफेशनल चोर, एक कॉल गर्ल और चार जहर खुरान, ये हमारी वो टीम थी जो खजाना हासिल करने के लिए दिल्ली से इटावा निकली थी। हमें तैयारियां करने में 7 दिन लगे थे।
जलने में तेरी सूरत हर दिल में तेरा साया तेरे इशारे से पता को देखो कुछ प्लान कर रहे हैं। करने दो प्लान, क्या कर लेंगे प्लान करके। वेरी बैड। अरे ये कब काम आएगा, एक ही झटके में साले को उड़ा देंगे। अरे वाह मेरे शेर। खजाना मिलते ही इन कबूतरों को गोली मार देंगे। मंदिर की ये ऊंची चढ़ियां भैया जी हम पर चढ़ते चढ़ते थक जाएंगे। चुप साले, हर समय इंसल्ट कराता रहता है। चुप हो जाने। ये साला छोटू छोटू ही रहेगा, इसको लेके क्यों आते हो। अरे मैं समझा रहा हूँ आप बेफिक्र रहिए। अबे चुप हो जा। ये कौन है भैया जी, पागल। हट चल चल हट। ठहरो, कहाँ जा रहे हो। औरत रहती है वहाँ, मौत, सब मारे जाओगे। कोई नहीं बचेगा। पागल है पागल। करण पाजी किले पे आ जाएंगे, टेंशन नहीं। एक्सीडेंट हो गया। वो सिटी हॉस्पिटल में है, मुझे पहुंचना पड़ेगा वहाँ। राजा जाओ, डॉली को छोड़ के आओ हाईवे तक। मैं से हाईवे तक छोड़ के आता हूँ। राजा भाईजान ख्याल रखिएगा का डॉली जी का। आ जाओ तुम, रख लो ख्याल। अरे गुस्साइए नहीं, जाइए।
डेविड भाईजान, मेरा तो दिमाग नहीं काम कर रहा है। आप बताइए क्या करना चाहिए। फिलहाल तो हम वैसा ही करेंगे जैसा पार्टी चाहती है, और 25% से हम लोग खुश हैं, ये पार्टी को जाहिर करते रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई जान। और फिर खजाना मिलते ही कल्टी मारेंगे। भैया जी देख रहे हैं ना उसे, जरा सा भी अगर उसे शक हो गया ना भैया जी, रिवॉल्वर है उसके हाथ में, और भैया जी रिवॉल्वर में 6 गोलियां होती हैं और हम 3 हैं, 1, 2, 3। भैया जी मौका मिलते ही पलट के मार देंगे भैया। चुप, चुप, बोला दीजिएगा तुझे पलट दूंगा, समझाइए। चुप, बहुत बड़ी गलती कर दी इसको लाकर। हट साले, डरपोक कहीं का। अब भैया जी वो सब छोड़िए ना, हमको एक आइडिया आया भैया जी। अब क्या है भैया जी, जब तक राजा जी आएंगे तब तक काहे ना हम लोग किला घूम लेते हैं। जाके अरे भैया जी बिन्नी भैया से पूछ लेंगे ना, किला चल के घूमते हैं भैया जी। हाँ ये सही रहेगा, तब तक करण भाई जान भी आ जाएंगे, सही रहेगा ना। हाँ भैया जी, कभी कभी अकल की बात करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, चल चल। भैया जी हमको एक आइडिया सूझा है, जब तक राजा जी ना आए तब तक क्यों ना हम लोग किला घूम लेते हैं। फिर बोले तुम, डेविड भाईजान समझाओ इसको, क्या ख्याल है भाईजान। चलो चलते हैं फिर घूम के आते हैं। तो चलिएगा। हम में से कोई नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है, बस एक उम्मीद की किरण थी, करोड़ों का खजाना। सूरज कुछ देर में उस कोने में छिप जाएगा, पर अफसोस डॉली चली गई थी। राजा और करण भरे के उस किले पर पहुंचने वाले थे जहां करोड़ों का खजाना था। भाईजान मानना पड़ेगा, क्या शानदार हवेली है। आइए। और भैया जी बहुत ही डर लग रहा है सुल्तान किले में, और दिल धड़क ही रहा है। वो पगलबा भी कह रहे हैं यहाँ जवान छुकरिया की आत्मा भटकती है भैया जी, हमका बहुत डर लग रहा है भैया जी। अरे डेविड यार, पहले से पता होता ये टमाटर इतना डरपोक है तो इसको टीम में ही शामिल नहीं करते। बिन्नी भाईजान मैं संभालता हूँ, छोटू तो हमेशा मजाक करता रहता है। एक बार छोटू ये लो, ये देखो ना मुन्ना ना, दिख रहा ना। नहीं भैया जी। अब डरने की जरूरत नहीं, मैं हूँ ना। अबे सालो इमरजेंसी लाइट किस लिए लाए हो भैया जी, जल्दी चलाओ पाव डर लग रहा है। ये भी नहीं चल रहा है, ये भी नहीं चल रहा है भैया जी, चलाओ इसे। छोटू ऐसे माहौल में तो अच्छे अच्छों की फटती है, पर तू जानता है मेरी नहीं फटती, पता क्यों? हाँ मैं जानता हूँ। तो बता। तुम्हारी अम्मा ने ऐसे ही बुतहा माहौल में तुम्हें पैदा किया, वो भी पंजाब में, इसीलिए। बॉस समझा लीजिए इसे, वरना इसका भूत बना दूंगा। अबे चुप कर, जब देखो तो अरे डेविड भाईजान क्या बात है, मैं बात करता हूँ। क्या बात है तुमको, क्या है क्या है, क्या बात? चुप, तुझे भूत बना दूंगा, चुप। छोड़ो सुन। अरे अरे राजा जी मैं समझा रहा हूँ, मैं क्या बोस मैं संभाल लू। अबे चुप रहोगे यार, बच्चा है यार। चल 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 चलो चलो।
अबे क्या हो गया भैया जी? वहाँ पे कोई है भैया जी? मैं कहाँ है? मैं चुप रहा है, चुप रहा है। विली, अकरम, छोटू, कहाँ हो तुम सब? क्या हुआ? पता चल गया क्या? लापरवाह, जल्दी जल्दी। खोदो खोदो खोदो, इधर खोदो। अब ऐसा भैया जी, वहां पे कुछ है। कहाँ है? अबे चुप, डरपोक कहीं का। अब क्यों डर रहा है बे? भैया जी, हमारी अम्मा ने बताया था जब तुमको डर लगे तो गाना गा लेना, तो हम गाना गाने जा रहे हैं। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, खोदो खोदो इसको खोदो। धीरे धीरे से मुझको डराना, तुमसे प्यार हमें है कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना हमको। एक मिनट, सब चुप, नीचे कुछ है, जैसे बक्सा या बॉक्स। खजाना। धीरे धीरे से मेरी जिंदगी में आना, तुमसे प्यार हमें कितना जाने जाना, तुमसे मिलकर तुमको है बताना। अकरम भैया जी, छोटू, 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 छोटू। Oh, my God.
करण, करण, लड़की की आवाज में क्यों रो रहा है? करण, करण, छोटू सर, चीटिंग की है। ये कैसे होंगे? किसे पता कब क्या हो जाए, किसे पता कब क्या हो जाए। पंचारों ने तो हमारे सामने तड़प तड़प के दम तोड़ा। नहीं, उन चारों ने हमारे साथ हटाने के लिए चीटिंग। ये देखो, जिगरा होना चाहिए जैसे इटावा की लौंडों के पास है। यही एक हथियार तो है अपने पास। अपना खजाना मिलने के बाद सबको भी होश कर कर खजाना हथिया लेंगे। निकल रहे हैं।
ये तो बंद है। उधर पूछते हैं। हाँ हाँ चलो। ये डेविड और अक्रम कहाँ हैं? अभी एक घंटे पहले चारों आए थे, 10 मिनट के लिए कमरे में रुके और फिर चले गए। पता नहीं कहाँ गए। आओ चलो चलो देखते हैं। साले सुगर के नाती, चपर का नाती, एक बार मिल जाए ना, बाकी की जिंदगी कोमा में गुजारेंगे। पर भाई, ये लोग गए कहाँ होंगे? Cheers! अकरम भाई, साला सोचा नहीं था कि जिंदगी हमें एक ही रात में करोड़पति बना देगी। भैया जी उठिए। कहा बे साले, चैन से मरने भी नहीं देता। चलिए भैया जी, मरने की बात काहे करते हैं। चलिए भैया जी। अकरम कहाँ है? अरे टीवी भैया जी, वो गए हैं उन लोगों को देखने। अच्छा, अब हम लोग चलते हैं खजाने के पास। अरे चलो ना फिर। चलो 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 चलो। खोलो, ताला तो ताला तोड़ दो। भैया जी रुकिए, भैया जी अब हम खोलेंगे। अच्छा भैया जी, छोटू है। हाँ हाँ छोटू खोल लेगा। अबे खोल जल्दी साले, तू मजदूर का मजदूरी रहेगा। डेविड भाईजान, अब हम लोग माला माल हो गए। भैया जी, हम लोग माला माल हो गए भैया जी। हाँ छोटू, माला माल। 25% चारों का। सही में अक्रम भैया जी, 25%। वो साले लौंडे हम लोगों को। ओ उठा जल्दी, उठा, चल चल, जब हमें साथ चूती वाली बात करता है। यार हमरी चलती है सरकार, हमरा मंडी थाने मंत्री। अरे भैया जी, संसार में इतने बड़े मैं पहली बार देखे। हाँ वो सब तो ठीक है, पर यहाँ से भागने में भलाई है। हाँ भागने में। जॉन मूव, कोई भी अपनी जगह से हिला तो गोली मार दूंगी। ए सीधा खड़ा हो जा, वरना खोपड़ी खरबूजे की तरह फूट जाएगी। कहाँ से टपक गई? माल मिलते ही नियत बदल गई तुम लोगों की। गाड़ी में बैठो और सीधा चलो मेरे फ्लैट पर। तो फंस गए छोटे लाल। चलो। ए लंबू, बंद करिए, ये बंद कर, बंद करिए। तू चल चल छोटू, चल। ए चलना चल।
साला हाथ में रिवॉल्वर आते ही बिल्ली भी शेरनी हो गई। मम्मी जी आप सही कहे थे, अकरम भैया जी एक दिन मरवाएंगे, लगता है आज वो दिन आ गया। टॉली जी, वो राना माने तो आपसे एक बात पूछ लूं, वो आपके पापा का एक्सीडेंट हो गया था तो आप ये यहां कैसे? चुप, ज्यादा सवाल पूछा ना तो जवाब सुनने के लायक नहीं छोड़ूंगी। गलती हो गई टॉली जी। यही नीचे कर, यही नीचे। अकरम भैया जी जल्दी रुमाल दो वरना उल्टी हो जाएगी। साले को इसी समय मजाक सूझ जाए। ले छोटू, आज तुमने ऐसा काम किया जो कोई नहीं कर पाया। हाँ भैया जी। तो बेहोशी में और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही है। डेविड भाईजान, अब तो मजा आ जाएगा। भैया जी एक बात पूछें। हाँ हाँ पूछो। अब भैया जी ये डॉली का क्या करेंगे? करना क्या? साली को गोली मार के नदी में फेंक देते हैं। चुप। साले इडियट, तू जिंदगी भर बेकूफ का बेकूफ रहेगा ना बे। हाँ? अबे ये बोनस में मिली है, खजाने के साथ में ऐश करेंगे। अरे मेरा मोबाइल लेके भाग गए चोर। अरे मेरा मोबाइल। भाई क्या हुआ, उन लोगों का फोन नहीं लगा? उस साले का फोन भी छीन लिया और डॉली का नंबर भी नहीं लग रहा यार। एक काम करते हैं, पहले डॉली के घर चलते हैं। चलो फिर एक काम करो, फ्रेश होके चलते हैं। ठीक है भाई। चलो फिर ठीक है। करो गरम, यहाँ ठीक नहीं रहेगा। ए करण, कहीं खंडर देखे गाड़ी वहीं रोक ले। हेलो, ये डॉली कहाँ गई? वो 3-4 दिन से फ्लैट पर नहीं आई। अरे डॉली के पापा का तो एक्सीडेंट हो गया था। अरे ये आप क्या कह रहे हैं, डॉली ने तो हमें बताया था कि उसके मम्मी पापा छोटे में ही एक्सपायर हो गए हैं। ओह शिट। अपनी औकात दिखा दी, ये बात पहले क्यों नहीं समझ में आई? तेरे पास मास्टर की होगी ना? अरे हाँ है तो। मोहब्बत की खीर में नींबू निचोड़ दिया।
छोटू तू गाड़ी के पास जा, देख कोई हो तो हमें इन्फॉर्म कर देना। भैया जी हम भी भैया जी आप समझ क्यों नहीं रहे, अब हम बड़े हो गए हैं। डेविड भाईजान अपना छोटू बड़ा हो गया है। चल छोटू, चल छोटू तू परेशान ना हो, अकरम बड़ा दिलदार आदमी है। तू भी क्या याद करेगा, अकरम से पाला पड़ा है तेरा। ले ये फोन ले, फोन से काम चला, चल जा बहुत पड़ी है इसमें, चल जा। भैया जी तो ऑफ है। अबे साले ऑन कर लेना, कुत्ता कहीं का भाग। बड़ा हो जाऊंगा तो दोनों को बताऊंगा, देखना। अबे तेरी तो यार मुझे लगता है डॉली किसी मुसीबत में है। फिर उसने झूठ क्यों बोला कि उसके डैडी का एक्सीडेंट हो गया। मर्द के नाम पे हिंसने हो तुम सब, एक लड़की का बलात्कार करने जा रहे हो, वो भी तब जबकि वो बेहोश है। कौन है? अबे कहाँ गया बे? अरे एक बार अगर दिख जाए ना। अबे कौन है? हिम्मत है तो बाहर निकल। बेटा मैं तुम सबकी मौत हूँ और मौत का कोई नाम नहीं होता। अबे अकरम अब ये डॉली कहाँ गई? अबे साला ऊपर होएगा बे, मिल जाए एक बार तो साले का भरता बना दे। अबे कहाँ है बे? बलात्कार करेगा? ओ, 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 बे अकरम कहाँ है तू? अबे हिल मत, अगर मेरी उंगली हिली तो तू ना हिलने के लायक रहेगा ना हिलाने के। ससुरा कौन है बे? अबे हम कह रहे हैं बुतलू बेचे, वरना हम कह रहे हैं छोकरी का गला दबा देंगे। हम सही बोल रहे हैं, हम इस छोकरी का गला दबा देंगे। शाबाश छोटू शाबाश। हाँ भैया जी, शाबाश, तूने दोबारा अक्कल का काम किया। लौंडे है क्या खिलौना, है क्या खिलौना? मैं डॉली का आशिक हूँ और आशिक कभी धमकियों से नहीं डरते। मेरे डेविड भैया जी को मार दिया, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। आप कह रहे थे आप मेरे आशिक हैं, पर मैं तो आपको जानते भी नहीं। खैर जो भी हो, आप बंदे बड़े कमाल के हैं। जी तो कर रहा है आपको किस कर लूं। तो कर लो ना किस, आपको किसने रोका है? आज तुमने मेरी हेल्प की है तो कर्जा तो उतारने दो। चारा आशिक, छोटू छोटू छोटू
छोटो साला बलात्कार करेगा। हेलो राजा, ये डेविड, छोटू, अक्रम, ये तीनों मरे पड़े हुए हैं। ये कोई धान मिल है, लेकिन एक बंदा नया है, कोई पता नहीं कहां से आया है, वो भी मरा पड़ा है। हाँ हाँ, लेकिन करण और डॉली नजर नहीं आ रहे, मुझे ऐसा लग रहा खजाना लेके निकल गए हैं। हाँ हाँ ओके, क्या कर रहे होंगे, कहां तक पहुंचे होंगे। एक काम करता हूं, टिया को मिलाता हूं, टाइम पास भी हो जाएगा। और बेबी क्या कर रही हो? हाँ कुछ नहीं, आप बताओ। आप क्या फोन में? टिया टिया ओ टिया टिया ओ टिया टिया ओ टिया 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 ओ टिया 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 ओ टिया। ओ गई गई बल गई थी। मिस्टर एक्स रिपोर्टिंग सर। अरे फोन मेरे टिया को मिला, तुमको जवाब दे रहे। हाँ क्या रिपोर्ट है? सर मुझे प्यार हो गया है। What nonsense? क्या बकवास है? बकवास? मैं बकवास? मेरा प्यार बकवास लग रहा है आपको? जाओ, नहीं करता मैं आपसे बात। तुझसे बात भी कौन करना चाहता है? टिया को फोन दो। लो मेरे ससुर से बात कर लो। हेलो सर। हाय टिया, how are you? What is the report? Fine sir, report is okay. Okay. अच्छा टिया, एक बात का ध्यान रखना। ये दोनों कबूतर तुम्हें परेशान तो नहीं कर रहे? No sir, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, alert रहना इनसे, especially उस काले कोट वाले से। बड़े dangerous हैं ये लोग। कोई जरा सी भी इंफॉर्मेशन हो, इनके खिलाफ भी हो, मुझे तुरंत इमीडिएटली रिपोर्ट करना। ओके सर। ठीक है, आई एम एट योर सर्विस बेबी। टिया टिया ओ टिया 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 ओ टिया। एक बार ये केस सॉल्व हो जाने दो, उसके बाद मैं देखता हूं मेरी टिया को इधर उधर कौन घुमाता है।
तुम्हारे लिए तो मैं 100 खतरों से खेल लेती, फिर ये क्या है? वैसे ये खजाना बिल्कुल सेफ है। साले, साले! अबे उबले हुए आलू कहाँ खो जाता है साले? अबे टप! उबला हुआ आलू नहीं, लालू बोल रहा हूँ। लालू अटेला, तुम्हारा उबला हुआ आलू हमारे पास है, हमने उठे किडनैप कर लिया है। सुन लालू अटेला, कहाँ छिप गया साले? बाहर निकल। लालू अटेला, कहाँ छुप गया साले? बाहर निकल। राजा, राजा, मैं जिंदा हूं। तो ये सब क्या था? ये क्या चल रहा था? किसी लालू अटेला का फोन आया था, तुझे किडनैप कर लिया गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा ये क्या चल रहा है। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, विनी भाई फंस गया यार।
अबे आलू के पराठे, समझने के लिए दिमाग चाहिए जो तेरे पास नहीं है। चल एक काम करता हूँ, तुझे ऊपर पहुंचा देता हूँ। ऊपर वाले शिकायत करते रहना तुझे समझदार क्यों नहीं बनाया। बोल भेजू ऊपर। अबे गोभी के फूल, मजाक करना छोड़, चल घर चलते हैं। मजाक? मजाक नहीं है विन्नी भाई, चाहूँ ना तुझे अभी के अभी निपटा दूँ, पर तुझे ना तेरे मरने की वजह मालूम होनी चाहिए। पागल हो गया है क्या? अपने दोस्त को मारेगा, अपने भाई को मारेगा तू? हाँ मारूंगा, पर क्यों मारेगा? तू जानता है तेरे सिवाय इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, और तू मुझे मारेगा? तेरे सिवा भी कोई नहीं था अपना भाई, मगर अब खजाना भी है और डॉली भी। हाय विनी डार्लिंग। जैसे ही हम सब लोग किले के अंदर एंट्री करेंगे, वहां पर कुछ हॉरर घटनाएं होंगी। हॉरर घटनाएं यानी कि भूत। पहले तुम सब लोगों को डरने की एक्टिंग करनी है, और उसके बाद मरने की। फिर किले का सारा खजाना किले के बाहर लेके आना होगा, और इसमें डॉली आपकी मदद करेगी। भूत? भैया जी हमको भूत से बहुत डर लगता है। चुप, डरपोक कहीं का। भजन आपको मना किया था ना ताने को? ये इतना डरता है, ये करेगा क्या वहां जाकर? वो सब तो ठीक है भाईजान, लेकिन इसमें हमारा क्या फायदा होगा? खजाने में जो भी होगा उसका 25% तुम लोगों का डील। डॉली जी आप कह रही हैं तो डन। इसका मतलब चारों जहर खुरान तुमसे मिले हुए थे? यू आर वेरी इंटेलिजेंट मेरे कद्दू कराए थे, वो चारों के चारों नींव हमारी शतरंज के मोहरे थे। लेकिन खजाने को देखकर बेचारों की नीयत खराब होगी, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। वो चुड़ैल लालू अटेला और वो वगैरह वगैरह सब हमने जुगाड़ कर लिया डावा में। पैसा फेंक, तमाशा देख। ये माया है जो चुड़ैल का रोल बहुत बिंदास करेगी, और ये गौरव है पागल का रोल बहुत अच्छा निभाएगा। ये हमारे सचिन भाई हैं जो किडनैपर का रोल बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। ये हमारे असगर भाई हैं हरफान मौला, इन्हें आप कोई सा रोल दे सकते हैं, लेकिन इन सब का पेमेंट आपको अच्छा खासा करना होगा। पेमेंट की टेंशन आप मत लीजिए, बस इन सब को एक्टिंग अच्छी करनी होगी। मैडम सचिन की बैटिंग और छुन्ना पंडित की सिखाई एक्टिंग कभी जीवन में फेल नहीं होती है। धरा पर आए हो तो धरे मत रहो, कुछ ऐसा करके दिखाओ, मिला है मौका तो लगा दो चौका, और बता दो कि इटावा की धरती पर भी अच्छे कलाकार हैं। ठीक है, आपका पेमेंट आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। ठीक है, ओके। साले बचपन से तेरी गुंडा करती सता रहा हूं। कभी नींबू घास, कभी बैगन खा करता। साले देखा तूने राजा क्या चीज है, खजाना भी मेरा और डॉली भी मेरी, और तेरे हिस्से में सिर्फ तेरी। राजा तू इस खूबसूरत चुड़ैल के बहकावे में आ गया। चुप, राजा की होने वाली बीबी है वो, तेरी हिम्मत कैसे हुई चुड़ैल बोलने की? राजा प्लीज माफ कर दे,
छोड़ दे मुझे, डॉली भी तेरी, खजाना भी तेरा, छोड़ दे मुझे राजा, छोड़ दे मुझे। खजाना वो तो तुझे वैसे भी नहीं मिलना था, पहली सोल्व की हम दोनों ने, और तू तू तो शिवमंदिर शिवमंदिर कर रहा था। चलो उठ। सॉरी विन्नी भाई, अब तुझे मारकर बड़े सुकून से खजाना और डॉली के साथ नेपाल निकल जाऊंगा। हाँ, गई बेल। हेलो आईटीआर, हाउ आर यू? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। ये दोनों कबूतर पता नहीं कहाँ है, मैं इनको बहुत देर से ट्राई कर रहा हूँ, पता नहीं कितना बड़ा जासूसी का काम कर रहे हैं साले, मेरा फोन नहीं उठा रहे। डोंट वरी सर, मैं उन्हें कॉल करके आपकी कॉन्फ्रेंस पे बात कराती हूँ। जल्दी कराओ। हाय टिया, हाउ यू? हाँ मैं ठीक हूँ यार, आपके लिए एक गुड न्यूज है। पर आप दोनों के लिए बैड न्यूज है, सर से बात करो कॉन्फ्रेंस पे। टिया, मैं हूँ तुम्हारा टिया। हेलो, इतनी देर से फोन मिला रहा, फोन क्यों नहीं उठा रहे? पाए लागू सरकार, इससे पहले कि आप फोन पे ही जूता फेंक के मारे, आपको गुड न्यूज दे देता हूँ। खुश रहो, जल्दी बताओ। गुड न्यूज ये है सर जी कि हमने पूरा का पूरा मिशन फतेह कर लिया है। यकीन नहीं आ रहा कि तुम काम चोरों ने इतना बड़ा काम कर दिया। अरे नहीं बॉस, हम अपनी जान की कसम खाकर बता रहे हैं, हम सही कह रहे हैं। दिमाग पाया, ऐसे थोड़ी ना कोई जासूस बन जाता है। अच्छा, न देश में मिलेगी न मिलेगी वो विदेश में। लक्ष्मी अब नहीं मिलेगी औरत के भेस में, दांत खट्टे कर देगी पहेली पड़ो पूरे होश में, मौत तुझे मिलेगी भोले के पड़ोस में। ये क्या किया डॉली ने? जो मौत तुम इसे देना चाहते हो वो बहुत आसान है, इसकी मौत मौत नहीं तमाशा होगी। बंदूक उठाने की गलती मत करना राजा, तुम अच्छी तरीके से जानते हो अगर गोली हाथ पैर की जगह सीने में लगे तो अंजाम क्या होगा। और तू मुझे मारना क्यों चाहती है? मैंने कहा था इसका भरोसा मत करना, ये तेरे साथ भी धोखा कर रही है। देख देख डॉली, तू मुझे धोखा नहीं दे सकती है, हम लोग तो नई दुनिया बसाने वाले थे ना, नेपाल चलेंगे ना यार, तब प्यार करता हूँ मैं तुझसे, खजाना मेरे पास रहे यार तेरे पास, बात तो एक ही है ना। यू आर राइट माई लव, अब ये रस्सी लो और इस विनी को उस खंभे में बांध दो, जाओ। पहले तुझे खत्म करूंगा, उसके बाद इस क्रिकेट की आंटी को, साले अकेले पूरा खजाना हड़पना चाहती है। Now you both have three choice. First, मैं तुम दोनों को यही मार दूं। Second, तुम दोनों खुद ही डिसाइड कर लो तुम दोनों को कैसे मरना है। और थर्ड, डॉली यार क्या मजाक कर रहे हो? मजाक? तुम चाहो तो पूरा खजाना ले लो। खजाना? हाँ, खजाना नहीं चाहिए मुझे, तुम दोनों को मारना था इसलिए प्लान बनाया, और मजाक मजाक तो तुम दोनों ने बना दिया मेरी जिंदगी का। पहचानते हो इसे? मैं बताता हूँ बचपन में क्या हुआ ना, उन दोनों चोरों ने अपनी एक दोस्त चट्टो का ढाबा जला दिया था जिसमें उसके माँ बाप जलकर मर गए थे सर, और चट्टो बच गई थी। बाद में वही चट्टो ना डॉली नाम की एक कॉलगर बन गई सर। बदला लेने के चक्कर में उसने ना इन दोनों को ढूंढ लिया, और जब ये बात हम दोनों को पता चली ना तो हम दोनों ने उसे एक प्लान बना के दे दिया। उस प्लान के तहत हमने उसकी पूरी मदद, उसे एक असिस्टेंट भी दे दिया सर, और उसकी गाड़ी में GPS भी लगा। और इसमें हमारा प्लान ये था सर कि खजाना भी मिल जाए और डॉली का बदला भी पूरा हो जाए। सर तो क्या डॉली ने उन दोनों को मार दिया? गेहूँ खेत में और बच्चा पेट में, शादी की तैयारी।
सर ये क्या कह रहे हैं आप? हमें क्या पता, हम तो नौकर हैं सरकारी। लिसन माय बॉयज, उसको कानून हाथ में मत लेने दो, को एंड अरेस्ट हर। जा तो रहे हैं सर, अब उड़ के तो नहीं जा सकते ना। नेचुरली, लेकिन जितनी फास्ट। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है, मेरे बचपन का प्यार मेरे जवानी का प्यार बनकर लौटा है। आई लव यू चट्टू। मेरे बिना मुझको नहीं जीना, तेरे बिना राजा न जाने क्यों लागे तेरे बिना, तेरे बिना। सॉरी राजा, आई एम सॉरी डियर। जाने क्यों, डोंट टॉक टू टिया एंड गो एंड डू इट अर्जेंटली। ओके ओके। जब हम अपनी जिंदगी के सफर की शुरुआत करते हैं, तब हमारे सामने दो रास्ते होते हैं, एक अच्छाई का और एक बुराई का। बेशक चुनौती है, क्योंकि गलत रास्ता आकर्षक, साफ सुथरा और लुभावना होता है, जबकि सही रास्ता पथरीला, लंबा और चुनौतियों से भरा होता है। पर हमारा यही चुनाव तय करता है कि हम क्या है, हमारी सोच क्या है और हम क्या बनेंगे। सही गलत में से एक रास्ता चुनना हमारे हाथ में होता है और यही चुनाव हमारे व्यक्तित्व और शख्सियत को तय करता है।